हे गाइस, पार्ट 20 मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। मैं प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूअसली बताते जा रही हूँ पार्टनरशिप किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने उसके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सो गाइस, आप इस क्वेश्चन को देखो, आफ्टर 10 सेकंड्स मैं आंसर प्रोवाइड करूंगी। ओके गाइस, सो हियर कम द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था ज्यादा। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन से रिलेटेड, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका आंसर मैं प्रोवाइड करती हूँ गाइस। सॉरी गाइस, उस टाइम स्क्रॉल थोड़ा तेजी से हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं गाइस बोल रही हूँ, जहां पे इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं उसको बताते चल रही हूँ। एक क्वेश्चन के मैं कई फॉर्म कवर कर रही हूँ गाइस, सो दैट आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सको। सो गाइस, इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो गाइस, आप उसके बाद मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड कर रही हूँ 5 सेकंड्स के बाद। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। गाइस, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर कर लिया है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना। और अब जो मैं बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कवर की हूँ, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने टॉर्ट्स का कवर कर लिया था, पार्टनरशिप कर ली थी, तो इस वजह से मैं इसे कवर कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, सो इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एजर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज। एजर्शन रीजनिंग का मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा आपको, हर कंटेंट से मैंने एजर्शन रीजनिंग कवर कर लिया है, सो दैट आपका कहीं से भी मिस ना हो। और गाइज, मैंने एजर्शन रीजनिंग को ये तो बताया है कि एजर्शन रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करना, उसे रिमेम्बर कर लो, मेमोराइज कर लो। बट कुछ एजर्शन रीजनिंग है जहां पे मैंने चेकलिस्ट पे आपको प्रोवाइड करवाया था कि वो एजर्शन रीजनिंग आप उस पर्टिकुलर एजर्शन रीजनिंग को तो बिल्कुल मत छोड़ना, बाकी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर्टिकुलर एजर्शन रीजनिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना। सो गाइस, इसका आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन गाइस मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ, फिर लास्ट मोमेंट की टिप्स मैं दे रही हूँ कि रूल आउट करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले रूल आउट करने की कोशिश करो कि क्या नहीं हो सकता है, देन उसके बाद कम टू द पॉइंट कि इसमें से जब अगर आप एक डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे 50% आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर आप दूसरा भी अगर रूल आउट कर दिया या कुछ भी है तो वो आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा, 100% आपका आंसर वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइज, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी कि रिट से रिलेटेड जो 5 रिट्स हैं उनकी बेसिक आप मीनिंग क्लियर रखना गाइस, क्योंकि रिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, नॉट सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे या मीनिंग पूछ लेंगे, सो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आप मीनिंग उसका ध्यान रखना गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन वही मैं इसलिए बता चल रही हूँ क्योंकि जो मुझे सामने से दिख रहे हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो वो बताते जा रही हूँ। सो गाइज, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगेन आपको राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है और वही मैं बोल रही हूँ, रूल आउट करने की कोशिश करिए, रूल आउट करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर गाइज आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आप कवर कर दिए हो, देन वेल एंड गुड, नहीं किया तो ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप कवर कर लोगे देन इट्स ओके, लाइक इसमें आपका सॉर्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूं।
ओके लास्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है, आईपीसी से रिलेटेड है गाइस। यहाँ पे मैंने कॉमा कोलन मिस हो गया है, सॉरी फॉर दैट। सो assertion रीजनिंग के गाइस क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैंने लाइक 90% assertion रीजनिंग के क्वेश्चन कवर कर दिए। लाइक मेरा जितना भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है उसमें 80% तो assertion रीजनिंग के ही क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। सो दैट आप एकदम यूज टू हो जाओ और इम्पोर्टेंट आप देख लो, क्योंकि कुछ assertion रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है चांसेस है वो रिपीट हो जाए। सो गाइज इसका आंसर ओके। सो गाइज ये तो था सेकेंड लास्ट वीडियो, बस कुछ ही देर में मैं लास्ट वीडियो अपलोड करूंगी एंड देन आई विल बी एड्रेसिंग योर कमेंट्स एड्रेस एंड सॉल्विंग योर क्वेरीज। सो डू प्रिपेयर विथ ऑल योर क्वेरीज सजेशंस। और गाइज साथ में आप ये भी प्रिपेयर कर लो कि कल मंडे है, कल एक दिन जो बचा हुआ है उसमें मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करूँ लास्ट मोमेंट, सो दैट आप उसमें अच्छे से आपका एकदम तैयारी हो सके। एंड गाइज बिल्कुल टेंशन मत लो, आसानी से डोंट पैनिक और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और वीडियोस आप जितने मैंने 200 क्वेश्चंस के अपलोड कर रही हूँ आप उन्हें अच्छे से देखो एंड आई थिंक यू आर डन विद दैट पार्ट। सो गाइज वेट फॉर माई लास्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।